हेलो दोस्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, यानी कि आपको एमएस वर्ड सीखना है। एमएस वर्ड कितना ज़रूरी है सीखना वो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई ऑफिस होगा, ऑफिस वर्क होगा, जिसके अंदर एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा। एमएस वर्ड, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप बहुत सारे वर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम लोग रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं, मेलिंग से संबंधित काम कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है जो इसके अंदर बना सकते हैं। अगर आप राइटर हैं, लेखक हैं, तो इसके अंदर बुक तैयार कर सकते हैं, बुक का इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। एमएस वर्ड का इस्तेमाल ही वर्ड से संबंधित सारे काम के लिए किए जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं एमएस वर्ड। इतना जरूर आप एमएस वर्ड के अंदर सीख लेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर काम कैसे होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट को तैयार कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन के चैनल पर। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं। एमएस वर्ड को स्टार्ट करने का ढेर सारा तरीका है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वही तो हम बताते हैं। तो सबसे पहले एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च कर लेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को सर्च करते ही आपके सामने वर्ड आ जाएंगे, इस पर क्लिक करते ही आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। एक और तरीका देख लीजिए जो सबसे आसान है। हम लोग इससे बाहर क्लिक करते हैं और कीबोर्ड के द्वारा विंडो के साथ आर दबाते ही आपके सामने रन बॉक्स खुल जाएंगे, और इस रन बॉक्स के अंदर विन वर्ड को लिखेंगे। विन वर्ड, ध्यान रहे, विन वर्ड लिखेंगे। नीचे विन वर्ड शो कर रहा है, इस पर क्लिक करते ही नीचे आपको दिखाई देगा ओके बटन, ओके पर क्लिक करिए, यानी तो कीबोर्ड के द्वारा एंटर दबाते ही आपका जो है एमएस वर्ड ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह का कुछ एमएस वर्ड का इंटरफेस दिखाई देता है। इस तरह आपको कुछ बना बनाया पंपलेट दिया हुआ है कि इस तरह का डिजाइनिंग आप एमएस वर्ड में ले करके अपना फॉर्मेटिंग चेंज करके अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आप अभी सीख ही रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके एमएस वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में कुछ और सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ वर्ड, यानी कि इस सॉफ्टवेयर का नाम है, और यहाँ पर रिसेंटली जो फाइल ओपन कर रखे होंगे कल परसों में या फिर आज, वो सभी फाइल यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि कौन कौन से फाइल आप आज के डेट में या फिर कल के डेट में ओपन कर रखे थे। लेकिन इसमें से हम लोग किसी पर नो टच करते हुए हम लोग सिंपली ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर, यहाँ पर गौर से देख लीजिए, यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और अपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे। तो हम लोगों का एमएस वर्ड कुछ इस तरह का दिखता है। ये हम लोगों का वेलकम स्क्रीन है, और यहाँ पर हम लोग पहले समझ लेते हैं कौन सा चीज, कौन सा ऑप्शन कहां पर दिए हुए हैं। सबसे ऊपरी हिस्सा देख रहा है आपको ये, जिसमें आपको इस फाइल का नाम शो करता है डॉक्यूमेंट वन, और इस सॉफ्टवेयर का नाम शो करता है वर्ड। इस पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार, और टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है आपका मेन्यू बार, जिसके अंदर फाइल, होम, इंसर्ट, ये सब मेन्यू दिए हुए हैं, और हर एक मेन्यू के अंदर ऑप्शन भर भर के दिए हुए हैं। तो हम लोग सभी ऑप्शन को सीखेंगे, आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रूलर एमएस वर्ड के अंदर दो दिए रहते हैं, एक टॉप में दिए रहते हैं, एक लेफ्ट में दिए रहते हैं। इनसे हम लोग मार्जिन को सेट करते हैं और पेपर साइज को चेंज करते हैं, बहुत सारे और सारे सेटिंग करते हैं जो हम लोग सीखेंगे। और ये हमारा पेज है जब हम लोग काम करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है एक ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है आपको, उडुब उडुब करता हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कर्सर बोलते हैं। वो जहां पर रहेगा वहीं से हम लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे नीचे दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, जहां पर आपको शो करेगा कि अपने पेज को आप कितना परसेंट जूम कर रखे हैं, वो शो करेगा। और लेफ्ट में शो करेगा आपको कि आपके पास कितना पेज है, कितना वर्ड आप टाइप किए हुए हैं, वो आपको लेफ्ट में शो करेगा। तो पेज अभी 1 का 1 है और वर्ड आप 0, अभी कुछ भी लिखे नहीं, सिर्फ 0 दिख रहा है आपको। इस तरह आप अपने एमएस वर्ड को देख सकते हैं। और हम लोग जब एमएस वर्ड के अंदर काम करते हैं, फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो काम करने से पहले, काम को स्टार्ट करने से पहले, डॉक्यूमेंट बनाने से पहले पेपर का सेटिंग करना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं, यानी कि मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में जो सामान खरीदना है, तो कितना सामान खरीदना है उसके अंदाज से हम लोग घर से ही झोला लेके जाते हैं कि नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर कोई भी काम करना हो तो पेपर का साइज क्या होना चाहिए, चारों ओर मार्जिन कितना होना चाहिए। अगर आप सरकारी काम करने के लिए डॉक्यूमेंट टाइप कर हैं, तो A4 तो जनरली हम लोग A4 यूज करते ही हैं पेपर साइज, लेकिन मार्जिन लेफ्ट में 1 से 1.5 इंच का छोड़ते हैं। तो चलिए हम लोग पहले पेज का सेटअप कर लेते हैं। पेज का सेटअप करने के लिए हम लोग कहां पर जाएंगे, इस रूलर पर। रूलर में जो आपको दिख रहा है ग्रे कलर, गौर से देखिए, ये व्हाइट एरिया जो आपको दिख रहा है ना, इस व्हाइट एरिया के अंदर ही आप कुछ लिखने का काम कर सकते हैं। ये ग्रे कलर के नीचे आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना है। तो इस ग्रे कलर पर डबल क्लिक करके आप जो पेज सेटअप को ओपन कर सकते हैं। पेज सेटअप को ओपन करने के बाद यहां पर देखिए मार्जिन दे रखे हैं, यहां पेपर दे रखे हैं, तो यहां से मार्जिन को हम डिसाइड कर सकते हैं।
तो एक तरीका ये हो गया आपका। अब दूसरा तरीका जो है, हम लोग जो है मेन्यू के अंदर लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे और फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा पेज सेटअप दिखाई देगा। यहाँ पर पहले दिया होगा मार्जिन, ये पेपर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मार्जिन कितना छोड़ना है। तो मार्जिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कंपनी आपको सेट करके दिए हुए हैं, कस्टम सेटिंग दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप खुद से अपने अनुसार मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो नीचे आइएगा तो मिलेगा कस्टम मार्जिन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से दोबारा पेज सेटअप खुल जाएगा और यहाँ पर टॉप में कितना मार्जिन छोड़ना है, टॉप में 0.2 छोड़ देते हैं। फिर टैब से अगले बॉक्स चले गए, फिर 0.2, लेफ्ट में अगर आप सरकारी काम कर रहे हैं तो 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ दीजिएगा, या नहीं तो 0.5 काफी है। तो हम जो है 1 इंच का मार्जिन रहने देते हैं। उसके बाद टैब द्वारा अगले बॉक्स में गए, यहाँ पे 0.2 छोड़ दिए। उसके बाद जो है नीचे आपको दे रखा ओरिएंटेशन, पेपर का मोड क्या होना चाहिए, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में क्या होता है कि पेज का लंबाई ज्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है। लैंडस्केप के अंदर क्या होता है कि चौड़ाई ज्यादा होता है और लंबाई कम होता है। तो वो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या सेटिंग करने हैं। तो जैसा आपका डॉक्यूमेंट है, जैसा आपकी इच्छा है, और अपने हिसाब से आप यहां पर ओरिएंटेशन चूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है ज्यादातर पोर्ट्रेट के अंदर ही काम करते हैं, तो अपने हिसाब से वहां पर डिसाइड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया पेपर, यहाँ से भी आप पेपर ले सकते हैं, या नहीं तो अब आप इसको क्लोज करने के बाद यहां से भी आप पेपर ले सकते हैं, यहाँ से भी आप पेपर का साइज ले सकते हैं। इसमें क्लिक करिएगा, उसके बाद पेपर साइज क्या आपको लेना है वो यहाँ चूज कर लीजिए। तो जनरली हम लोग A4 चूज करते हैं, A4। तो A4 पे क्लिक करते ही आपका जो है डॉक्यूमेंट A4 साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पेज का सेटिंग करना बहुत जरूरी है, पेज का सेटिंग करने के बाद ही हम लोग कोई भी काम करते हैं। ये बहुत जरूरी था हम लोग का पेज सेटिंग करना। अब MS Word के अंदर काम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट से संबंधित सारा काम करते हैं। अगर आपके पास कोई काम है, डॉक्यूमेंट है जो इसमें लिख के प्रैक्टिस करना है, तो आप टाइप करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओनली प्रैक्टिस ही करना है, तो कंपनी जो है बाय डिफॉल्ट कुछ टेक्स्ट आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं। उस टेक्स्ट को लाने के लिए कुछ ट्रिक आपको फॉलो करने होंगे, कुछ फॉर्मूला आपको फॉलो करने होंगे। MS Word जो है छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो कंपनी जो है प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे बाय डिफॉल्ट टेस्ट दिए हुए हैं। तो उस टेस्ट को लाने के लिए आपको करना क्या, सिंपली इक्वल टू लिखना है, RAND लिखना है, ब्रैकेट को ओपन और बंद करना है। एंटर करते ही आपके सामने 5 पैराग्राफ आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो फिर से एक बार देख लीजिए, इसको डिलीट करते हैं, फिर इक्वल टू करते हैं, RAND रैंड करते हैं, ब्रैकेट को ओपन और बंद करते हैं। अगर आपको टेक्स्ट कम चाहिए तो सिर्फ ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर कर दीजिए, और नहीं आपको टेक्स्ट अधिक चाहिए तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको लिख देना है कि कितना पैराग्राफ चाहिए। मुझे चाहिए 50 पैराग्राफ, तो 50 लिख देंगे और एंटर कर देंगे। इससे बाहर, ब्रैकेट से बाहर निकल के एंटर कर देंगे, तो आपके सामने 50 पैराग्राफ आ जाएंगे, वो लगभग 5-6 पेज में आ जाएंगे। तो कंट्रोल ए करते हैं, इसे डिलीट करते हैं। तो मुझे जो है कम ही टेक्स्ट प्रैक्टिस करना है, इक्वल टू कर देंगे, RAND रैंड कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन और बंद कर देंगे, एंटर करते ही आपके सामने पैराग्राफ आ जाएंगे और इस पर हम लोग सभी ऑप्शन का प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना हो, जी हाँ दोस्तों, अगर मैं चाहते हैं कि अपने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर दे, एक अच्छा सा लुक दे दें, जैसे एक दुल्हन सजती है, दुल्हन को मेकअप करके एकदम खूबसूरत बनाया जाता है, उसी प्रकार से जो है अपने टेक्स्ट को आप एक अच्छा सा सुंदर सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, वो भी होम मेन्यू के से। आप होम मेन्यू के अंदर रहते हुए अपने टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको होम मेन्यू के अंदर यहाँ पर फॉन्ट दे रखे हैं, मतलब कि होम मेन्यू के अंदर ना टेक्स्ट के ऊपर सारे इफेक्ट लगाने के लिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि अपने टेक्स्ट के साथ कैसा आपको व्यवहार करना है, मतलब किस तरह का आपको फॉर्मेटिंग करना है, वो सारे आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, बी से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, हम लोग सभी को देखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के साइज थोड़ा बड़ा करें, तो पहले सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर दे रखा आपको साइज ऑप्शन, फॉन्ट को बना करने का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करके अगर आप बढ़ते क्रम में आएंगे तो साइज बड़ा होगा, घटते क्रम में जाएंगे तो साइज छोटा होगा। तो जितना आपको साइज बड़ा करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, और वही साइज बड़ा छोटा करने का ऑप्शन इसके बगल में दे रखा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, गौर से देख लीजिए, गौर से अगर आप इस पर क्लिक करेंगे साइज बड़ा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो साइज छोटा होगा। तो जैसे आपको करना हो, यहाँ पर जितना परसेंट छोटा बड़ा करना हो वो आप कर लेंगे। तो मुझे जो है 12% करना है, तो यहाँ 12% कर देंगे। उसके बाद नीचे दिया बोल्ड, बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक करना हो तो इटैलिक कर दीजिए, स्ट्राइक थ्रू करना स्ट्राइक थ्रू कर दीजिए। स्ट्राइक थ्रू कब करते हैं, जो आपको लगे कि मेरा लिखा हुआ वर्ड गलत है, लेकिन उसको मिटाना नहीं है, लेकिन दिखाना है कि ये गलत है, तो स्ट्राइक थ्रू कर दीजिए, वो कुछ आपको इस तरह दिखाई देगा, और नहीं आपको नहीं करना तो टिक हटा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया आपको टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, इस पर क्लिक करके अपने टेक्स्ट का आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, ऐसा कलर, ये कलर, जो आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक कर दीजिएगा, उससे
उस तरह का इफेक्ट में आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया है चेंज केस। चेंज केस से हम लोग अपने लिखे हुए टेक्स्ट में कैपिटल अक्षर में चेंज करते हैं या फिर स्मॉल में, मतलब स्मॉल से कैपिटल या फिर कैपिटल से स्मॉल, जिस भी केस में चेंज करना हो ना उसके लिए पहले टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अभी गौर से देखिए नीचे में ये जो है पूरा पूरा स्मॉल अक्षर में लिखा हुआ है और इसको जो है मुझे करना है कैपिटल अक्षर में कन्वर्ट करना है। तो कैपिटल अक्षर में कन्वर्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा चेंज केस के अंदर। जिस भी टेक्स्ट को स्मॉल से कैपिटल या फिर कैपिटल से स्मॉल में करना हो पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर चेंज केस में आइए और यहाँ पर देखिए सेंटेंस केस, लोअर केस सारी सेटिंग दे रखे हैं। तो मुझे करना है आप अपर केस यानी कैपिटल करना, अपर पे क्लिक करते ही आपको जो टेक्स्ट है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर से स्मॉल करना हो तो फिर दोबारा सेलेक्ट में सेलेक्ट ही रखेंगे और चेंज केस के अंदर आएंगे, यहाँ पर कर देंगे लोअर केस, तो फिर से दोबारा से स्मॉल अक्षर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे पहले था वैसे ही करना हो तो फिर दोबारा क्या करेंगे, फिर दोबारा चेंज केस में जाएंगे और कर देंगे सेंटेंस, पहला कर देंगे सेंटेंस केस, तो जैसे पहले था आपको वैसे ही स्टाइल हो जाएंगे। और जितने भी फॉर्मेटिंग किए सभी फॉर्मेटिंग को हटाना हो तो यहाँ पर क्या करना है आपको पूरे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर दे रखा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करते ही आपके सारे फॉर्मेटिंग हट जाएंगे, जैसे पहले था वैसे ही सिंपल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर से हम सेलेक्ट करते हैं और इसको बोल्ड कर दिए, साइज को थोड़ा बड़ा कर दिए, इसका स्टाइल चेंज कर दिए, फॉन्ट का स्टाइल यहाँ चेंज कर दिए, मतलब जो भी फॉर्मेटिंग करना था सभी फॉर्मेटिंग कर दिए, है ना, कलर को भी चेंज कर दिए कि इसको कलर करना है ब्लू तो ब्लू कलर कर दिए। अब मुझे करना क्या है, सेम इसके तरह फॉर्मेटिंग इसमें भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या, देखिए इस फॉर्मेटिंग में जिस फॉर्मेटिंग को आपको कॉपी करना हो ना उसमें कहीं भी क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको क्लिप बोर्ड के अंदर दिखाई देगा फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर पर सिंगल क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो ब्रश का सिंबल आ जाएगा और जिस भी टेक्स्ट को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वो टेक्स्ट जो है पहले वाले टेक्स्ट की तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए सेम। अगर आपको इसके तरह फॉर्मेटिंग इसको भी करना है तो इस फॉर्मेटिंग के अंदर कहीं भी क्लिक कर दीजिए और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दीजिए और क्या करना है आपको, जिस भी टेक्स्ट को उसी की तरह बनाना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, वो भी टेक्स्ट आपको सिंपली पहले वाले टेक्स्ट की तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। और सभी टेक्स्ट को पहले तरह नॉर्मल करना हो तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर दिया है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करते ही सभी टेक्स्ट पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये सब फॉर्मेटिंग आप करके देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरे को सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। कभी अगर आपको एमएस वर्ड के अंदर लिस्ट बनाना पड़े तो लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर गौर से देख लीजिए आप, यहाँ पर जो है बुलेट दिए हुए हैं, यहाँ पर नंबरिंग दिए हुए हैं, यहाँ पर जो है मल्टी लेवल लिस्ट दिए हुए हैं, इस तीनों के मद से आप अलग अलग प्रकार का लिस्ट तैयार कर सकते हैं। बुलेट के मद से आप चाहें तो कुछ पॉइंट ले सकते हैं, मतलब ये दो पॉइंट नौ पॉइंट ले सकते हैं, है कि नहीं है। अगर आप नंबरिंग वाली लिस्ट नंबरिंग में तो आप यहाँ पर नंबर में क्लिक करेंगे और यहाँ से लिस्ट को बना सकते हैं। तो मुझे नंबरिंग में ही लिस्ट बनाना है तो नंबरिंग में बड़ा क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है कुछ लिखते हैं, जैसे कि आपको लिखना है फ्रूट तय करना है या फिर नेम ऑफ एनिमल तैयार करना है, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मंकी, मंकी लिख दिए, स्पेस करते ही पहला अक्षर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक, इसमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग दिया हुआ है, एंटर करते ही टू आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर इसे लिख दिया आप हॉर्स लिख दिए, एंटर करते ही अपने आप पहला अक्षर जो है कैपिटल हो जाएंगे। और यहाँ पर गौर से देखिए, गौर से हम कुछ गलती किए हुए हैं, है ना, एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग इसलिए बोलते हैं ये वर्ड के बारे में अच्छे से समझता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी वर्ड में मिस्टेक करिएगा तो ये आपको बतलाएगा रेड कलर से कि आप वर्ड के अंदर कुछ मिस्टेक किए हुए हैं। कोई नाम में नहीं, नाम कोई वर्ड नहीं है, नाम जो है हम लोगों का वो डिक्शनरी में नहीं मिलेगा आपको, जो डिक्शनरी में वर्ड मिलता है ना उसी को वो गलती या गलती सही करेगा, है ना, वो ध्यान रखना है आपको। तो इस हॉर्स के ऊपर क्लिक करिए और राइट क्लिक करिए, वो बताएगा हॉर्स का स्पेलिंग क्या होता है, है ना, HORSE, HORSE, है ना, तो HORSE होता है, तो HORSE आप ले लीजिए, आपको जो स्पेलिंग सही कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, यहां पर जो भी लिखना हो आपको यहां पर इस तरह से, जब जितना बार एंटर करते जाएंगे ना, इंटर जितना बार करते जाएंगे उतना बार अपने आप ऑटोमेटिक नंबरिंग जो है बढ़ता जाएगा, वो आप यहां पर देख लीजिए अपने आप नंबरिंग बढ़ता रहेगा। तो ये आप इस तरह का लिस्ट बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कंट्रोल ए करते हैं, इसको भी सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने के लिए यहाँ पर दिया आपको मल्टी लेवल लिस्ट। इस मल्टी लेवल लिस्ट के मदद से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस भी स्टाइल में आपको क्वेश्चन तैयार करना हो वो स्टाइल ले लीजिए। हम सिंपली यही स्टाइल लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो पहला में क्या लिखना है, जैसे कि इसमें लिख दिए How many types of computer based on size, एंटर कर दिए, है ना। अब फिर टू आ गया, मुझे टू नहीं चाहिए, मुझे करना क्या है वन के अंदर ऑप्शन चाहिए, तो एक बार जो है कीबोर्ड से टैब दबाएंगे, टैब दबाते ही ए ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर लिख दीजिए आप सीखे फोर, फिर एंटर करेंगे बी आएगा, फिर थ्री एंटर करेंगे फिर सी आएगा, फिर टू एंटर करेंगे टू,
टू लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर डी आएगा, फिर लिखेंगे वन, एंटर करेंगे, फिर ई आएगा। मुझे अब ई नहीं चाहिए, ई के बाद ये टू चाहिए, फिर दोबारा एंटर करेंगे तो टू आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिख दीजिए कि हाउ मेनी टैप्स ऑफ प्रिंटर, एंटर करते ही फिर थ्री आएगा, फिर कीबोर्ड से टैब दबाएंगे, टैब दबाते ही ई ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पर करना कि आपको ऑप्शन देना है फाइव, एंटर करना है, फिर ऑप्शन देना है एंटर करना है, फिर ऑप्शन देना है एंटर करना है, फिर ऑप्शन देना है एंटर करना है, फिर एंटर करना है, मतलब एंटर से बाहर आएंगे और टैब से अंदर आएंगे। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट के मदद से। तो इस तरह आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो कंट्रोल ए करते हैं और इस सबको डिलीट करते हैं। उसके बाद अगर कोई टेक्स्ट अगर आप लिखते हैं, इस टेक्स्ट को जो है आप लेफ्ट में करना हो, सेंटर करना हो, राइट में करना हो, तो उसके लिए भी पैराग्राफ के अंदर आपको अलाइनमेंट दिए हुए हैं। और दो लाइन के बीच में स्पेस को कम या ज्यादा करना हो तो उसके लिए भी सेटिंग दे रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस को कम ज्यादा कर दें तो कंट्रोल ए से पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सामने दिया आपको यहाँ पर दे रखा है लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि कितना गैपिंग छोड़ना है। वन इंच ऑलरेडी है, आपको गैपिंग नहीं चाहिए, तो लास्ट में दिया है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इस पर क्लिक करते ही आपके डॉक्यूमेंट के अंदर गैपिंग पूरा पूरी खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लाइन स्पेसिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अगर अपने डॉक्यूमेंट को, अपने डॉक्यूमेंट में लिखे हुए टेक्स्ट को पूरा पूरी पेज के सेंटर में करना हो तो यहां पर दिया आपको अलाइनमेंट। अलाइनमेंट टोटल चार होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट में लिखे हुए टेक्स्ट को सेंटर करना हो तो यहाँ पर सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, पूरा पूरे सेंटर हो जाएंगे। राइट कर दीजिए, राइट हो जाएंगे। लेफ्ट कर दीजिए, लेफ्ट हो जाएंगे। और जैसे लेफ्ट में पूरा लाइन बराबर है, उसी तरीके से अगर राइट में बराबर करना हो, इस तरह से पूरा बराबर करना हो, तो पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जस्टिफाई, जस्टिफाई पे क्लिक करते ही आपको जो है टेक्स्ट जो है दोनों तरफ से लाइन इक्वल हो जाएंगे। तो ये सब सेटिंग करके देख लीजिएगा। इसको लेफ्ट पे कर देते हैं, लेफ्ट में ही रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ हेडिंग लिखें ऊपर में हेडिंग, तो शुरू में क्लिक करके एंटर कर दीजिए, नीचे ले आइए और अप एरो से ऊपर चले जाइए। यहाँ पर से लिख दिए हम यहाँ पर चैप्टर वन, चैप्टर वन लिख दीजिए। और चैप्टर वन को मुझे करना है सेंटर में, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे इसको सेंटर कर देंगे, सेंटर में आ गया है। अब इसको थोड़ा बोल्ड करना है, बोल्ड कर दीजिए, साइज को बड़ा करना हो बड़ा कर दीजिए, आपका हेडिंग बन गया। अब इस हेडिंग में कुछ कलर करना हो तो यहाँ पर दिया शेडिंग, शेडिंग में क्लिक करते हैं यहाँ पर बहुत सारे कलर आएंगे, जो भी कलर आपको अच्छा लगे यहाँ पर कलर को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप हेडिंग बना सकते हैं। एक हेडिंग और बनाना, यहां पर हेडिंग, यहां पर क्लिक करेंगे एंटर से नीचे आएंगे, यहां पर जैसे देते हैं चैप्टर टू, चैप्टर टू, तो इसको भी सेलेक्ट करते हैं, इसको भी जो है बोल्ड करते हैं, साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको भी यहाँ पर सेनिशन में शेडिंग, शेडिंग में आइएगा, यहां जो कलर आपको अच्छा लगे कलर को अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद जो है इसको सेंटर कर दीजिए, सेंटर। तो इस तरह का आपके हेडिंग तैयार हो जाएंगे। तो हेडिंग देना हो तो हेडिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कलरफुल प्रिंट करने के लिए। तो आप वो डिसाइड कर लीजिएगा किस तरह का आपको फॉर्मेटिंग चाहिए। अगर फॉर्मेटिंग आपको चाहिए ही नहीं तो कंट्रोल ए कर देंगे और कर देंगे क्लियर और फॉर्मेटिंग, तो सभी फॉर्मेटिंग आपके हट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर कुछ आप नंबर लिखते हैं जैसे कि फाइव एंटर किए, फोर एंटर किए, थ्री टू वन, टेन एंटर किए, टू, तो कुछ नंबर लिखते हैं, इस नंबर को आप अगर आपको एसेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाना हो, है ना, तो पहले क्या करना है इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ शॉर्ट, शॉर्ट में क्लिक करिएगा। शॉर्ट गौर से देख लीजिए, यहाँ पर दिया शॉर्ट ऑप्शन दिया हुआ शॉर्ट, इस पर क्लिक करके यहाँ पर पूछेगा आपको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। मुझे असेंडिंग ही करना है और सिंपल इसको करना कि आपको यहाँ से ओके कर देना। ओके करते ही यहाँ पर देखेगा तो वन टू थ्री के फॉर्मेट में आपका जो है नंबर तैयार हो जाएगा। नहीं, इसका उल्टा करना, अपोजिट करना हो, यानी कि डिसेंडिंग घटते क्रम में करना हो, तो पहले सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर शॉर्ट में दोबारा आ जाइए और यहां पर जो है डिसेंडिंग पे क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देंगे तो फिर से आपको घटते क्रम में दिखाई देंगे। तो चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर नंबर हो, दोनों पे आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट रहेगा तो ए बी सी डी ऐसे क्रम में सजाना हो आपको अपने लिस्ट को, तो असेंडिंग ले लेंगे, अने उल्टा करना हो डिसेंडिंग कर देंगे। तो वो आप डिसाइड कर लीजिएगा, वहां पर ट्राई करके देख लीजिएगा किससे क्या होता है। इसको एडिट करते हैं। अगला हम चलते हैं इंसर्ट मेन्यू में। अब देखते हैं इंसर्ट मेन्यू में क्या सब दिए हुए हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जी हाँ, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये सब कर लीजिए। कवर पेज से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को कवर पेज बना सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे टेबल, कि टेबल के अंदर हम लोग डाटा एंट्री कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। जी दोस्तों, एमएस वर्ड के अंदर आप टेबल के अंदर भी डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो टेबल में आएंगे, यहाँ पर इंसर्ट टेबल में आएंगे और कितना बाय कितना आपको टेबल लेना है वो यहाँ डिसाइड कर लेंगे। तो मुझे जो है पांच रखना है कॉलम और 11 रखना है रॉ,
क्योंकि एक हो गया हेडिंग के लिए, 10 में एंट्री कर लेंगे, तो 5x11 के ले लिए, इसको ओके करते ही 5x11 का टेबल आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिए, टैब से अगले में चले गए, यहाँ पर लिख दिए नेम, टैब बता दिए, यहाँ पर लिख दिए मैथ, यहाँ बता दिए केमिस्ट्री, यहाँ बता दिए तो टोटल मार्क्स डालेंगे। ठीक दोस्तों, फिर टैब आएंगे, यहाँ पर 1 डाउन एरो, एंटर नहीं करना है, डाउन एरो कीबोर्ड से डाउन एरो से नीचे आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक दोस्तों, नेम में आएंगे, यहाँ पर देंगे से कि मोहन डॉन एरो, सोहन डॉन एरो, उसके बाद अजय डॉन एरो, आबिद डॉन एरो, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कंट्रोल से कॉपी करते हैं और इसको जो है पेस्ट कर देते हैं। प्रैक्टिस करना हो तो आप जल्दबाजी में काम करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नंबर्स देने हैं इसमें कुछ, जैसे कि इसमें 55 डॉन एरो, 65 डॉन एरो, 88 डॉन एरो, 75 डॉन एरो, तो इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लिए, इसको भी यहाँ पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसको भी सेलेक्ट कर देते हैं, पूरे को कंट्रोल से कॉपी करते हैं, इसको भी पेस्ट कर देते हैं। प्रैक्टिस करना हो उसके लिए आप जल्दी में काम कर सकते हैं। उसके बाद मुझे करना क्या, इसमें पूरा जोड़ निकालना है, फिर कुछ भी सेटिंग करना हो, कलर चेंज करना हो, जो भी फॉर्मेटिंग करना हो, तो इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पर दे रखा आपको टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल में आइएगा, जब हम लोग टेबल लेते हैं तो साथ में जो है डिजाइन और फॉर्मेट अलग से, डिजाइन और लेआउट दो मेन्यू अलग से खुलते हैं। तो डिजाइन में आइएगा और यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करके जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगे वो डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये तो इस पे क्लिक कर दीजिए, ये तो इस पे क्लिक कर दीजिए, तो जो बढ़िया लगे उस स्टाइल को आप ले सकते हैं, या फिर नहीं तो इसमें फिर दोबारा इसके अंदर आएंगे और इसको सिंपल लेना, सिंपल सिंपल लेना, तो सिंपल भी दिया हुआ है, सिंपल इसमें गौर से देख लीजिए आप, यहाँ पर सिंपल भी ऊपर में सिंपल दिए हुए हैं, नीचे में कुछ स्टाइलिश दिए हुए हैं, तो जैसा आपको अच्छा लगे वो चूज कर लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल लेते हैं, सिंपल सिंपल पैलेट पे क्लिक कर दिए, आपका जो टेबल है वो सिंपल पैलेट की तरफ सिंपल हो जाएगा। अगर इस सबको सेंटर करना हो, लेफ्ट करना हो, इसमें लिखे हुए टेक्स्ट को सेंटर लेफ्ट राइट करना हो तो पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप लेआउट में आएंगे, लेआउट मेन्यू में आएंगे, यहाँ पर जो है इसको सेंटर करने का, राइट करने का, नीचे करने का ना पूरा दिया हुआ है, तो सेंटर सेंटर कर देते हैं, पूरा पूरी बीच में आ गया। इसमें कुछ कलर अपने हिसाब से डालना हो तो फिर से डिजाइन में आएंगे, जिसको कलर करना हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर शेडिंग में आएंगे और यहाँ से कलर जो लगाना हो कलर को अप्लाई कर देंगे, कलर लगा दीजिए, फिर अगला सेलेक्ट कर लीजिए, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है फिर शेडिंग में आएंगे और यहाँ पर जो कलर आपको अच्छा लगे इस कलर को अप्लाई कर दीजिए, सर अप्लाई कर दीजिए। और फिर मुझे करना है कि सबको जोड़ निकालना है, तो इसके यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे लेआउट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर दिया फॉर्मूला, फॉर्मूला पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर देखिए इक्वल टू सम लेफ्ट, इक्वल टू सम लेफ्ट आ गया है, तो यही सेटिंग रहने देंगे। इसको हम करते क्या, एक बार कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए, इसको ओके करते ही आपके सामने यहाँ पर इसका जोर आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर दोबारा जाएगा फॉर्मूला के अंदर, अब क्या है यहाँ पर सम एबव लिखा हुआ है, फिर सेलेक्ट कीजिए आप, तो कॉपी तो किए है, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। क्यों पेस्ट क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर जो है एबव लिखा हुआ आया था, मुझे करना क्या कर्सर से लेफ्ट में जोड़ना है, तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर लेफ्ट लिख देंगे, उसके बाद जो है इसको ओके करके यहां पर जो है उसका भी जोड़ निकालेंगे। तो सिंगल सिंगल क्लिक करके फॉर्मूला में क्लिक करके इक्वल टू SUM सम एवं नहीं, उस बॉक्स के अंदर जो है आपको लेफ्ट करना है, लेफ्ट करके इसको ओके कर दीजिए, क्योंकि कर्सर से लेफ्ट में जोड़ना है, इसे लेफ्ट कर करके सभी का सिंगल सिंगल आप जोड़ निकालने का काम कर सकते हैं। तो एक्सेल की तरह काम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो थोड़ा बहुत आप डेटा एंट्री का काम वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस टेबल को अगर डिलीट करना हो तो पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे बैक स्पेस, तो पूरा आपका टेबल हट जाएगा। अगर आपको एमएस वर्ड के अंदर कुछ शेप्स ड्रॉ करने हो, यानी कि आइकन बनाना हो, पंपलेट बनाना हो, कुछ विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना हो, तो उसके लिए हम लोग शेप के अंदर आएंगे, शेप के अंदर आएंगे, यहाँ बहुत सारा शेप मिलेगा आपको, जैसा भी आपको आइकन डिजाइन करना है ना, पहले हम लोग शेप लेंगे, शेप लेंगे, शेप को ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद जो है दोस्तों इसमें करना क्या है, जो कलर आपको करना हो उस कलर को करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉर्मेट मेन्यू अलग से आता है, शेप फिल में आएंगे और यहाँ से जो भी कलर आपको अच्छा लगे कलर को चूज कर लीजिएगा। फिर से एक और शेप लेते हैं और इसके ऊपर से ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद इसका कलर जो है कर लेते हैं येल्लो, शेप फिल में जाएंगे और फिर इसका कलर जो है येलो कर देते हैं। इसका जो आउटलाइन दिख रहा है ब्लैक कलर का, तो आउटलाइन को जो है नो आउटलाइन कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, इसको हल्का ऊपर कर दीजिए। इस तरह के आप जो है एक आयकर डिजाइन कर सकते हैं। और जो है इसमें क्या करना है, आपको एक लेना है राउंडेड रेक्टेंगल लेना है, इसको जो यहाँ पर आपको सिंपली रख देना है, इसे फोटो लगा सकते हैं। और इसमें कुछ लिखने के लिए यहाँ पर जो है दिया है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना है नेम, नेम लिखना है, कोलन देना है, उसके बाद स्पेस देना है, हाइफन देना है, इंटर कर देना है, उसके बाद देना है रोल नंबर, रोल नंबर देना है, फिर इसको
रोल नंबर देना है, कोलन हाइफन देना, एंटर करना है, उसके बाद देना एड्रेस देना है, कोलन देना है, हाइफन देना, एंटर करना है, उसके बाद देना है मोबाइल नंबर देना है। तो ऐसे आप जो भी लिखना हो ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके अंदर व्हाइट कलर दिख रहा है, व्हाइट कलर को हटाने के लिए करना कि आपको सेफ फील में जाना है, इसको नो फील कर देना है। लैंडिंग को हटाना हो तो आउटलाइन में आना है, इसको नो आउटलाइन कर देना है। और कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके इसको जो है राइट क्लिक करके इसको बोल्ड कर दीजिए, साइज को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। इसका कलर जो है अपने अनुसार यहाँ पर चेंज, जो कलर सूट कर जाए वो कलर को चेंज कर दीजिए। तो इस तरह आप जो है एक आई कार्ड सिंपल लुक बना सकते हैं। इसमें और भी कुछ डालना है कि यहाँ पर नाम लिखना है, तो लिखने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ टेस्ट मशीन लेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे सिंपली BRILLIANT ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन, एजुकेशन लिख देंगे। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर से साइज को थोड़ा बड़ा कर देंगे, और कलर को सेफ फिल को नो फिल कर देंगे, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे, इसको अच्छे से यहाँ पर रख देंगे। इसे और बड़ा करना हो तो फिर सेलेक्ट करेंगे इसको, उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद इस पॉइंट को पकड़ के इसको खींच देंगे, इधर से इसको भी पकड़ के खींच देंगे, पूरा पूरी आपको आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसको जो है अच्छे से रख दीजिए, रखने के बाद इस तक आपको डिजाइनिंग बना सकते हैं जी। और दोस्तों और नीचे में कुछ लिखना हो तो फिर लिखने के लिए आप डॉट टेस्ट का यूज करके एक अच्छा सा आयकार बना सकते हैं। तो मतलब जो मर्जी बनाना हो बनाते रहिएगा। तो कंट्रोल ए करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं डिजाइन के अंदर। डिजाइन में देखिएगा तो इसमें इसके अंदर वाटर मार्क, पेज कलर, पेज ब्रश, यहाँ पर तीन इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। तो वाटर मार्क होते क्या है, वाटर मार्क अगर आप चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हल्का सा बैकग्राउंड में मेरा कंपनी का नाम या फिर मेरे कोचिंग का लोगो या फिर खुद का एड्रेस जो भी आपको लिखना हो वो हल्का सा आप दिखा सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिख रहा है आपको, है ना। तो पहले करते हैं कि यहाँ इक्वल टू करके आर एंड डी रैंड करके ब्रैकेट को ओपन और बंद करके इसके अंदर 25 पैराग्राफ ले करके या फिर 50 पैराग्राफ ले करके कुछ लंबा सा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर लंबा लंबा 5 पेज का तैयार कर लिए हैं। अब करना कि आपको वाटरमार्क लगाना इस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वाटरमार्क में आएंगे और फिर दोबारा यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क में आएंगे। उसके बाद अगर आपको पिक्चर लगाना हो तो पिक्चर को साइड पर पिक्चर ले लेंगे, लेकिन मुझे पिक्चर नहीं लगाना है, मुझे कोई टेक्स्ट लगाना है, तो टेक्स्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट में क्या लिखना है वो आप यहाँ पर देख दीजिए, यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर आपको क्या लिखना है। तो मुझे टेक्स्ट में जो लिखना है ब्रिलियंट कंप्यूटर BRILLIANT ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन लिख देंगे। उसके बाद जो है किस स्टाइल में फॉन्ट अप्लाई करना है वो यहाँ से ले लीजिएगा। मुझे करना है एरियल ब्लैक ताकि हल्का मोटा दिखाई दे, इसमें ए सर्च करेंगे और यहाँ से जो है एरियल ब्लैक ले लेंगे, एरियल ब्लैक। उसके बाद जो है यहाँ पर देखा लेआउट और यहाँ पर देखा कलर कि अपना वाटरमार्क का कलर क्या करना चाहते हैं। इसमें कलर में आते हैं, यहाँ पर हम इसमें करते हैं ब्लू कलर, ब्लू कलर कर दिए। उसके बाद जो है आपको अपना लेआउट क्या करना चाहते हैं, डायगोनल या फिर हॉरिजॉन्टल। अगर आप डायगोनल रखेंगे तो हल्का तिरछा में आएगा क्योंकि डायगोनल ही बेस्ट होता है, तो डायगोनल ही रहने दीजिए। और हॉरिजॉन्टल करते हैं तो वो तिरछा में नहीं आएगा आपको, लेकिन ये जो चौराहे में जो है ना हॉरिजॉन्टल लेटी लाइन वो आपको आ जाएंगे, तो डायगोनल ही रहने दीजिए। इसको जो है यहाँ से ओके करते ही आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में देखिएगा तो वाटरमार्क अप्लाई हो गए सभी। अब किसी एक में लगाइएगा तो सभी पेज के बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएंगे। जब इसको कंट्रोल पी से प्रिंट करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा तो कुछ इस से आपको प्रिंट में आएगा, टेक्स्ट भी लिखा हुआ रहेगा और आपका जो है वाटरमार्क भी प्रिंट में आएगा। अगर इसका कलर चेंज करना हो, पेज का कलर चेंज करना हो या फिर पेज बॉर्डर को चेंज करना हो तो फिर पेज कलर दिया, पेज कलर में आइएगा, उसके बाद जो कलर आपको अच्छा लगे कलर को अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद अगर इसमें बॉर्डर लगाना हो बॉर्डर तो पेज बॉर्डर में आएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर बॉर्डर दिया है बॉर्डर, जो बॉर्डर आपको अच्छा लगे उसमें बॉर्डर में ले लीजिएगा। अगर बॉर्डर में अगर ये लाइन आपको लाइन चाहिए लाइन पे क्लिक कर दीजिए, इसको ओके करते ही आपको देखिएगा लाइन वाला बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको लाइनिंग में बॉर्डर नहीं चाहिए, कुछ आर्ट वाला चाहिए, तो फिर बॉर्डर में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर दिया आर्ट, आर्ट दिया हुआ है, इस आर्ट में इस एरो पर क्लिक करके यहाँ पर जो आपको लेना हो सेब अनार अंगूर जो भी लेना हो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करते ही ओके कर दीजिएगा, तो कुछ इस तरह का आपके बैकग्राउंड में बॉर्डर लग जाएंगे जी। हाँ दोस्तों, तो इस तरह का हम लोग काम करके देखेंगे। और आपको कुछ चाहिए सिंपल पहले तरह करना हो तो पूरे कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर आप क्या करेंगे वाटरमार्क में आके इसको कर देंगे यहाँ पर रिमूव वाटरमार्क, फिर आएंगे पेज कलर में कर देंगे इसको नो कलर, फिर आएंगे पेज बॉर्डर में कर देंगे इसको नो बॉर्डर, है ना, नो बॉर्डर नन कर देंगे, तो आपका जो है ओके करते ही बॉर्डर भी हट जाएंगे, सिंपल पॉले की तरह हो जाएंगे। तो ये सब सेटिंग हम लोग करते हैं डिजाइन के अंदर से। अगला दिया हुआ लेआउट, लेआउट में क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं पेज का सेटिंग करते हैं, जो कि इससे पहले बताए हुए थे कि पेपर का साइज, पेपर का साइज क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, मार्जिन क्या होना चाहिए, कितने कॉलम में डिवाइड करना है, वो सब आप कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि अपने टेक्स्ट को दो कॉलम में डिवाइड कर दें तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉलम में आएंगे कर देंगे, टू कॉलम करते ही दो कॉलम में आ जाएंगे जी। हाँ दोस्तों, फिर वन कॉलम
कॉलम करना हो या फिर इसके बीच में लाइन लाइन देना हो, तो फिर कॉलम में आएंगे, फिर उसके बाद मोर कॉलम में आएंगे और यहाँ पर लाइन बिटवीन में टिक लगाएंगे, इसको ओके करते ही बीच में लाइनिंग भी आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको लाइनिंग चाहिए ही नहीं, कॉलम चाहिए ही नहीं, तो कॉलम में आके इसको कर देंगे वन कर देंगे, तो कॉलम वन पहले की तरह सिंपल हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम जो अपने डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं वो कितने लाइन के तैयार किए हुए हैं, वो अगर चेक करना हो, लाइन नंबर लगाना हो हर एक लाइन के अंदर, तो कहीं भी क्लिक कर दीजिए और लाइन नंबर में आके कर दीजिएगा कंटिन्यूअस, तो अपने आप देखेगा तो नंबरिंग आपके हर एक लाइन के अंदर लग जाएंगे, कितने लाइन लिखे हैं वो आपको पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लाइन नंबर अगर नहीं चाहिए तो फिर दोबारा इसके अंदर आएंगे, कर देंगे नन कर देंगे, तो लाइन नंबर आपका हट जाएंगे। हम लोग अगला आते हैं रेफरेंस मेन्यू के अंदर। रेफरेंस मेन्यू में जो है इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहे हैं। रेफरेंस मेन्यू असल में होता है राइटर के लिए, जो लेखक होते हैं जो किताब तैयार करते हैं। तो हम लोग जो 5-6 पेज डॉक्यूमेंट तैयार किए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग लगा दें और हर एक हेडिंग का जो है एक विषय सूची कंटेंट तैयार कर दें, तो उसके लिए करना कि आपको पहले कुछ टेक्स्ट लिख लेना है, उसके बाद ऊपर 5-6 लाइन कुछ खाली जगह छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको करना क्या है, 2-3 जगह हेडिंग बनाना है, इसके यहाँ बना दिए चैप्टर 1 बना दिए, उसके बाद जो है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसी रेफरेंस के अंदर आपको दिया ऐड टेक्स्ट, यहाँ पर गौर से देख लीजिए, ऐड टेक्स्ट दिया हुआ, ऐड टेक्स्ट। तो ऐड टेक्स्ट में करना क्या, आपको यहाँ पर लेवल 1 लगा देना है, हेडिंग 1 हो गया। उसके बाद एक जगह और आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्लिक करके एंटर से नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं चैप्टर 2 लगाते हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पर जो इसको कर दीजिए आप लेवल 1 लगा दीजिए, इसको भी लेवल 1 लगा दिए। उसके बाद एक जगह और लास्ट लगा देते हैं, यहाँ पर क्लिक किए एंटर से नीचे आ गए, उसके ऊपर के यहाँ पर डाल दिए चैप्टर 3 ले डाल देंगे चैप्टर 3, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर कर देंगे लेवल 1 कर देंगे। अब जहाँ जहाँ आप हेडिंग लगा रखे हैं उस सभी हेडिंग का कंटेंट यहाँ पर ऐड करना है, तो वहाँ पर क्लिक कीजिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स में आइए, जो स्टाइल आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आपका तैयार हो जाएंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3। और इसमें एक खास बात यह भी है कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में रहते हुए एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग में जाना हो, तो उसमें लिंक लगा हुआ है, लिंक चैप्टर मुझे जाना है चैप्टर 3 पर, तो कंट्रोल दबाएंगे चैप्टर 3 पर क्लिक कर देंगे तो चैप्टर 3 पर पहुंच जाएंगे, और कंट्रोल होम से फिर चले जाएंगे फर्स्ट पेज में। तो इस तरह से आप कंटेंट को तैयार कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग विषय सूची। तो कंट्रोल ए करते हैं, बाहर क्लिक किए तो कंट्रोल ए कर दिए, सभी को डिलीट कर दिए। उस बाद आपको मेलिंग से हम लोग मेल तैयार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कंपनी है और कंपनी के अंदर जो है 5-10 एम्प्लॉय है, सभी एम्प्लॉय को एक साथ मेल तैयार करना हो, तो एक साथ मेल भेजने के लिए आप मेलिंग मेन्यू का यूज कर सकते हैं। मेल ईमेल नहीं, ईमेल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये जो मेल है ये ऑफलाइन काम होता है, मेल जो हम लोग डाक के थ्रू भेजते हैं और मंगाते हैं। तो डाक के थ्रू किसी को मेल भेजना हो किसी शुभ अवसर, वैसे अभी हैप्पी न्यू ईयर आने वाले, हैप्पी न्यू ईयर 2023 जो आने वाले हैं, उस अवसर पर आपको भेजना है मेल किसी को भेजना है, तो पहले क्या करें, मेल तैयार करने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टार्ट मेल मर्ज में आना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है लेटर लीजिएगा, लेटर लेने के बाद सेलेक्ट रेसिपिएंट में आएंगे और यहाँ पर टैप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे। जितने आदमी का मेल तैयार करना हो सभी का यहाँ पर आपको जो है लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे हेडिंग दिए हुए हैं, देखिए यहाँ बहुत सारे हेडिंग दिए हुए हैं, जितना हेडिंग आपको रखना हो उतना हेडिंग ही रखिए। मतलब हेडिंग को कस्टमाइज करना हो तो कस्टमाइज कॉलम में आएंगे, और जो हेडिंग आपको नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दीजिए, मुझे जो है टाइटल नहीं चाहिए इस पर क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर देके यहाँ पर यस कर देंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, कंपनी नेम चाहिए, एड्रेस लाइन 1 चाहिए, लाइन 2 नहीं चाहिए, इसको जो है डिलीट कर देंगे। सिटी नहीं चाहिए मुझे, सिटी मुझे चाहिए नहीं, इसको भी डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दीजिए इसको। स्टेट चाहिए, जिप कोड नहीं, मुझे पिन कोड करना है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर कर देंगे, इसको रीनेम कर देंगे, और यहाँ पर जिप को जो है कर देंगे पिन कर देंगे, जिप को जो है पिन कर देंगे, पिन कोड कर दिए, इसको ओके कर दिए। उसके बाद यहाँ पर कंट्री रीजन मुझे नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देंगे। मतलब जो हेडिंग आपको चाहिए उसको रहने दीजिए, जो नहीं चाहिए उसको जो है आप फटाफट हटा दीजिए। तो जो रखना हो उसको हम रखते हैं, बाकी सबको जो हटा देते हैं। वर्क फोन चाहिए, ईमेल मुझे नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दीजिए। इतना हेडिंग हम रख लिए, इसको ओके करते ही सभी हेडिंग आपको यहाँ अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट नेम में से मान लीजिए मनोज, टाइप दबा दिए मनोज कुमार, फिर टाइप दबा दिए कंपनी नेम हो गया, मान लीजिए कंपनी नेम हो गया ABCD। उसके बाद जो है एड्रेस हो गया आपको झंझारपुर JJP, उसके बाद स्टेट हो गया बिहार, टाइप दबा दिए पिन कोड हो गया 84404, टाइप दबा दिए वर्क फोन नंबर डाल दीजिए जो भी डाल दीजिए। उसके बाद जो है अगला एंट्री, फिर टैब दबाते ही अगला एंट्री अपने आप आ जाएगा, फिर यहाँ पर डाल दिए मोहन कुमार, फिर यहाँ पर अगला ABCD कंपनी, उसके बाद JJP, तो ये भी बिहार के हैं, इसका भी पिन कोड वो सेम है। उसके बाद मोबाइल नंबर भर दीजिए, तो जितने आदमी को एंट्री करना हो उस सबका जो है आप एंट्री कर लीजिए ऐसे सिंगल सिंगल, है ना।
उसके बाद अंजलि कुमारी, उसके बाद ये भी एबीसीडी कंपनी के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं। उसके बाद इसका भी पिन कोड डाल दीजिए इस तरीके से। उसके बाद मोबाइल में जो है मोबाइल भर दीजिए, उसके बाद फिर टैग बा के अगला एंट्री कर लीजिएगा। अगर आपको तीन ही एंट्री करना है, ये अगला एंट्री जो किए इस एंट्री को नहीं करना है, तो इसमें क्लिक करके यहाँ पर डिलीट एंट्री, इसमें क्लिक करके इसकी एंट्री को आप डिलीट कर दीजिएगा। इसको ओके करते ही आपका एंट्री जो बोलेगा सेव कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर सेव सेव पर क्लिक करने से पहले अपना फाइल का नाम दे देते हैं। यहाँ पर नाम देते हैं माई एंट्री, नाम दे दिए माई एंट्री वन, एंट्री वन नाम दे दिए। उसके बाद जो है इसको सिंपली यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव करते ही पूरा ऑप्शन काम करना शुरू कर देगा। और हम लोग का जो मेन काम है वो है गिटलैंड, पहले आएंगे गिटलैंड में आएंगे। और हम लोग जब भी कोई लेटर को तैयार करते हैं ना, तो रिस्पेक्ट के लिए खासतौर से डियर या टू लगाते हैं। तो यहाँ पर डियर डियर ले लेंगे या फिर टू, जो आपको अच्छा लगे ले लीजिएगा। तो हम डियर ले लेते हैं और यहाँ पर वो दिखाएगा कि डियर मनोज कुमार ये लिख करके आएगा। इसको ओके कर दीजिए और एंटर से नीचे आ जाइए। पहले हम लिखते हैं नेम, तो यहाँ पर लिखेंगे नेम, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग नेम, एन ए एम ई नेम लिख देंगे, कोलन हाइफन देंगे। और यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड में आएंगे, फर्स्ट नेम ले लेंगे, एक स्पेस देंगे, उसके बाद जो है लास्ट नेम लेंगे, उसके बाद एंटर से नीचे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कंपनी नेम है, कंपनी नेम यहाँ पर जो है कंपनी नेम डाल देंगे, कोलन हाइफन डाल देंगे। उसके बाद इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर जो कंपनी नेम देंगे, एंटर से नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस है, तो यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड में आएंगे, एड्रेस लेंगे। तो जितना भी हेडिंग आप तैयार किए होंगे, सभी हेडिंग आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड में दिखा देंगे। उसके बाद फिर एंटर से नीचे आएंगे, तो अगला जो है आपका यहाँ स्टेट है, तो यहाँ पहले स्टेट लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, कोलन हाइफन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर स्टेट ले लेंगे। एंटर से नीचे आएंगे, उसके बाद डालेंगे पिन कोड है, तो पिन कोड लिखेंगे, कोलन हाइफन देंगे, उसके बाद फिर दोबारा इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर लेंगे पिन कोड ले लेंगे, नीचे आएंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर है, फोन नंबर है, फोन नंबर लिखेंगे, कोलन हाइफन देंगे, उसके बाद यहाँ पर फोन नंबर ले लेंगे, फोन नंबर ले लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। बोल्ड करना हो बोल्ड कर दीजिए, हल्का बड़ा करना हो बड़ा कर दीजिए। अब जो है आप किस सुबह सर फोटो इसको मेल भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है हम लोग इंसर्ट के अंदर आते हैं, यहाँ पर वर्ड आर्ट में, वर्ड आर्ट में आते हैं, इसमें कुछ स्टाइल ले लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2023 लिख दिए। इसमें कुछ आपको स्टाइल देना हो तो यहाँ पर दिया आपको टेक्स्ट इफेक्ट दिया हुआ, इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ जो मर्जी स्टाइल लगा दीजिए। तो मुझे इसमें ये स्टाइल लेना है, इसमें क्लिक कर दीजिए, इसको जो है खींच के बड़ा कर दीजिए, सर बड़ा कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इस नया साल के सुबह सर को क्या लिखना है कि नया साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहे, पूरे जो आपको तमन्ना हो पूरा पूरी विश पूरे हो जाए। तो इक्वल टू करके हम राइंड करके मतलब कुछ लिख देते हैं, आपको जो लिखना है उसमें लिख दीजिएगा, अच्छे से लिख दीजिएगा। लिखने के बाद करना कि आपको जितना भी एंट्री किए सभी एंट्री का एक ही उम्र तैयार करना, फिनिश करना हो तो फिर आपको मेलिंग में आना है और लास्ट में दिया है फिनिश, पहला ऑप्शन एडिट पर क्लिक करना है, ऑल रखना है। इसको ओके करते ही यहाँ पर देखेंगे तो सभी का अपने आप यहाँ पर तैयार हो गया। सभी देखिए यहाँ पर जो है अंजलि कुमारी, उसके बाद जो है यहाँ पर मोहन कुमार, उसके बाद यहाँ पर देखिए मनोज कुमार। तो जितने एंट्री किए होंगे सभी एंट्री का अपने आप यहाँ मेल तैयार हो जाएगा। इसको प्रिंट करके आप जो है लिफा पैक करके किसी को भी मेल भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग मेल मर्ज यूज करते हैं। तो कंट्रोल ए करते हैं, सबको डिलीट करते हैं। अगला दिया रिव्यू, रिव्यू में अगर आप आते हैं तो पहला दिया आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ गलती होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है हम इसको लिखते हैं वीडियो, लिखे हैं वीडियो, वीडियो में ई को हटा दिए, गलती से ई छूट गया, बाहर क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए रेड लाइन आ गया है ना। प्रोवाइडर मान लीजिए हम डी को हटा दिए, अब बाहर क्लिक कर दिए तो प्रोवाइड के अंदर भी रेड लाइन आ गया। इसका मतलब यह है कि इस वर्ड में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो हम लोग करना किसको ठीक करने के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करते ही वो आपको बता देगा कि इस वर्ड के अंदर आप कुछ गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, उसे सुधारना हो तो यहाँ पर आपको जो है वो सजेशन करेगा कि क्या लिखना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे वीडियो, वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे चेंज, करते ही वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है प्रोवाइड, प्रोवाइड में गलती कर रखे हैं तो प्रोवाइड होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, चेंज कर देंगे, फिर वो भी ठीक होकर के कहीं भी गलती नहीं है वो उसका मैसेज आ जाएगा। उसके बाद है थीसेरस, इससे हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्ड का अनेक वर्ड, यानी कि सिनोनिम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पर्यायवाची शब्द, एक नाम का अनेक नाम देखना हो तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि मुझे जो है देखना है कि बुआ का और कितने सारे नाम हो सकते हैं। तो बुआ लिखेंगे, एंटर करते हैं, यहाँ पर दिखाएगा लैड, स्कूल बुआ, सॉन, यंगस्टर, चिल्ड्रेन। गर्ल का और अनेक नाम कितना हो सकता है, तो यहाँ पर गर्ल लिख देंगे, एंटर कर देंगे,
बताएगा आपको लेसी टीन एगर मिस है ना लैस डॉटर स्कूल गर्ल, तो ये सब जो है आपको एक नाम से अधिक नाम देखने के लिए आप थीसरस का यूज कर सकते हैं जी दोस्तों। उसके बाद बहुत सारे और बीच में दिए हुए हैं, यहाँ पर दिया वर्ड काउंट, वर्ड काउंट से जो है आप चेक कर सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेज हैं और कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कितने नो स्पेस कैरेक्टर है, कितने स्पेस कैरेक्टर है, पैराग्राफ कितने, लाइन कितने हैं, वो सभी आप यहाँ पर काउंट में देख सकते हैं। ये सब सेटिंग करने के बाद लास्ट में एक चीज और इंपॉर्टेंट इसमें दिया हुआ है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। और आप चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पासवर्ड लगा दें कि आपके अलावा कोई चेंज ना कर पाए, क्यों, क्योंकि आप ही पासवर्ड मालूम रहेगा, किसी और का पासवर्ड मालूम रहेगा नहीं, तो जिसको पासवर्ड मालूम रहेगा वही काम कर सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्ट में क्लिक करिए, उसके बाद जो यहाँ पर इस दोनों में आप टिक लगा दीजिए, उसके बाद नीचे में आना यस स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो है 1 2 3 जो लगाना पासवर्ड दोनों में कंफर्म कर दीजिए, उसके बाद इसको ओके करते ही आप देखेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पासवर्ड लग चुके हैं। अब इसमें कुछ भी काम नहीं होगा, लिखिए कुछ भी काम नहीं होगा। अगर आप कुछ सेलेक्ट करने के बाद इसमें होम मेन्यू में आप आता है, देखिए कुछ भी ऑप्शन काम नहीं करेगा, तो ये पासवर्ड लगा लिए हैं। इसको हटाना हो फिर दोबारा, तो फिर रिव्यू में आएंगे, फिर दोबारा जहां से लगाए थे वहीं पे क्लिक करेंगे, और नीचे मिलेगा आपको स्टॉप प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक कर देंगे, और जो पासवर्ड आप डाले थे वो डालने के बाद एंटर करते ही पासवर्ड अनलॉक हो जाएंगे। अब जो भी काम करना हो आप काम कर सकते हैं जी दोस्तों। तो ये था हम लोग का इंपॉर्टेंट सेटिंग। अगला है व्यू, व्यू का मतलब देखना कि अपने पेज को आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से कैसे देखना चाहते हैं। जूम को बढ़ा करके जूम को बढ़ाना, उस पर क्लिक करेंगे, जूम कितना बढ़ाना है 200% कर दीजिए, ओके 200% जूम बढ़ जाएगा, घटाना हो फिर कर दीजिए 100% कर दीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं। रीड मोड करना, उसे पढ़ना हो तो रीड मोड कर दीजिए ओनली पढ़ने के लिए, फिर नीचे में आएंगे यहां से हम लोग चेंज कर देंगे, शो कर देंगे, प्रिंट लेआउट कर देंगे, तो ये सब सेटिंग कर लीजिएगा, कुछ खास इसमें नहीं है। रूल अगर आपको नहीं चाहिए तो इसे टिक हटा दीजिए, चाहिए तो टिक लगा दीजिए, तो ये सब आप देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को बस देखने के लिए, इसमें और कोई कार्य होता नहीं है, बस देखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों। तो हम लोग लगभग लगभग बेसिक सेटिंग जो हम लोग का काम बराबर आता रहता है वो सब हम लोग सीख चुके हैं, और भी हम लोग किसी और वीडियो में आएंगे और डिटेल्स में एमएस वर्ड को खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।